मूवी एक्सप्रेस हो गया इस जो कंगना रनौत की जो ट्विटर अकाउंट है अभी अभी सस्पेंड हुआ है एंड उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि उनका ऐसी होती है बिकॉज शी ऑलवेज डू कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ बट इस बार जो उन्होंने जो वीडियो डाला था दिस क्रिस्टल क्लियर यार, इसमें ये पूरा जेन्युइन है क्योंकि अभी जो बंगाल का सिचुएशन है वो बहुत ही वर्स है कि जानते हैं अपन 11 वर्कर्स बीजेपी वर्कर्स खत्म हुए एक दिन में, घर जलाए जा रहे हैं, वुमेंस पे अटैक हो रहे हैं, इस सब माई गॉड एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो रहा। सोचिए देखो, सो एज ए सिटीजन वी हैव द राइट्स टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग, वही किया था कंगना ने और उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया। सो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होते होते ऐसे सब होना जब अपन अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे हो रहा है। सो रियली यार ये बहुत ही गलत हो रहा है एंड जो सिचुएशन है बंगाल का यार इट्स रियली वर्स। ममता दीदी बनी है 144 लगाओ मैं बोल रहा हूँ, नड्डा साहब भी आ रहे, मोदी साहब भी वहाँ के गवर्नर से कांटेक्ट किया। सो बहुत कुछ हो रहा है बट अभी जो एक दिन में हुआ है जो दंगा फसाद ये सब, अच्छा सिटीजन हमें भी राइट्स है इस सब में बोलने के लिए। सो वो एक राइट्स अपने से छीना जा रहा है जैसे कि अकाउंट उन्होंने सस्पेंड किया, इसी से पता चल रहा है हम लोग को। सो गाइस ये जो भी हो रहा है सस्पेंड किया वो बहुत ही गलत बात है। सो मेरा कोई मुझे कुछ ना पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बट ऐसे थोड़ा सा सेंस है भाई, मुझे भी थोड़ा न्यूज़ पता चल रहा है। सो वही मुझे बहुत गलत लगा, उन्होंने जो भी किया था बहुत ही सही किया था कंगना रनौत ने। सो आपको ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताना यार। सो दिस इज शिवा साइनिंग ऑफ, आशा करता हूँ कि बंगाल को जो सिचुएशन है वो कम हो जाए यार, ऐसे भी कोरोना से सब मर ही रहे हैं और दंगा फसाद मारा मारी से और लोग मर रहे हैं। सो आप अपना कमेंट मुझे बताया यार, राइट योर ओपिनियन इन माई कमेंट बॉक्स। सो